सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। कोरोना टीका को बीजेपी की वैक्सीन बता चुके अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि हम भी टीका लगवाएंगे। बता दें कि सोमवार को ही उनके पिता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कोरोना का टीका लगवाया था। मुलायम के टीका लगवाने के बाद अब अखिलेश ने भी वैक्सीन लगवाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वो टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। दरअसल कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, ये टीका तो भाजपा वालों का है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव के इस बयान पर बड़ा हंगामा भी हुआ था। बता दें सोमवार को मेदांता में सपा संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। मुलायम सिंह यादव के द्वारा पहला टीका लगवाने के बाद से सोशल मीडिया पर राजनीति गर्मा गई और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरते हुए कई नसीहत तक दे डाली।